रजब तैयब एर्दोगन की ताजा अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कल जो कुछ भी हुआ तुर्की में उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाए, अपनी बात को ज्यादा ना कह करके। कल जो कुछ भी तुर्की में हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बता देना ज्यादा जरूरी है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार कल तुर्की में क्या कुछ घटा। तुर्की की जनता ने अपने हर दिल अजीज नेता रजब तैयब एर्दोगन को रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतता कर तुर्की की जनता ने अपने हर दिल अजीज नेता रजब तैयब एर्दोगन को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताकर तुर्की का राष्ट्रपति बना दिया है और तुर्की के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया है। एर्दोगन ने अपने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद विरोधियों को औंधे मुंह उलट दिया है। एर्दोगन ने जीत दर्ज करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इस जीत के लिए तुर्की की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह तुर्की की जीत है। इस जीत के बाद हमें तुर्की को दुनिया में शक्तिशाली बनाने का काम करना है। एर्दोगन की जीत का पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोगों ने सड़कों पर आतिशबाजी और रैलियां निकालनी शुरू कर दी हैं तथा इसके अलावा एर्दोगन को इस जीत पर विदेशों से भी मुबारकबाद मिल रही है। कतर और अमीर में फोन करके एर्दोगन को जीत की मुबारकबाद पेशकश की है। रजब तैयब एर्दोगन ने तुर्की में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके दुनिया भर के लोगों के खिलाफ उस्मानिया को लेकर उम्मीदें ताजा कर दी हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के महल के सामने जीत का जश्न मनाया तथा इस्लामी दुनिया भर में जीत की खुशी मनाई जा रही है। आज पूरे दिन से लोगों की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई थी। रजब तैयब एर्दोगन की जीत की दुआएं सिर्फ तुर्की में ही नहीं बल्कि देश भर के कहना गलत होगा, दुनिया भर के मुसलमान उनकी जीत के लिए दुआएं कर रहे थे और जिस लोगों की दुआएं कबूल हुई और रजब तैयब एर्दोगन भारी बहुमत से जीत करके तुर्की के दूसरे राष्ट्रपति बन गए। अंत में अपनी बात को जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन को जीत की मुबारकबाद। ये सिर्फ तुर्की या एर्दोगन की जीत नहीं है, ये जीत आलम इस्लाम की जीत है, ये जीत दुनिया भर के मुसलमानों की जीत है। पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और वो लोग एर्दोगन की तरफ एक आस की तरह देख रहे हैं क्योंकि बेबाकी से वो मजलूमों की आवाज उठाने में पूरी दुनिया में माहिर है। इसी के चलते लोग एर्दोगन को काफी पसंद करते हैं और उनकी जीत नहीं है सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों की जीत बन करके रह गई। रजब तैयब एर्दोगन से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।